बोलते हैं तो हो बोलते हैं तो बोलते हैं तो सभी का अधिकार हो बोलते हैं तो सभी का अधिकार हो वोट डाले काहे काहे जाते हो घर में काहे तो बैठे अले साथ हो वोट डाले काहे काहे जाते हो वोट डाले काहे काहे जाते हो। नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक। देख रहे हैं आप, शाम के 5 बज चुके हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना और वक्त हो चुका है दिन की सबसे बड़ी बहस का, यानी कि दंगल का। और दंगल आज आ पहुंचा है लखनऊ। कड़कड़ाती धूप में जब मतदाता अपने घर से बाहर निकल रहा है मतदान करने के लिए बड़ी तादाद में, तो इसका मतलब यह है कि वो अपने मन में कुछ ना कुछ फैसला ले चुका है। और आज इसी चिलचिलाती धूप में हमारे साथ लखनऊ की जनता है और दो खास मेहमान हैं यहां दंगल का हिस्सा बनने के लिए। उन दोनों से आपका परिचय कराएंगे, लेकिन उसके पहले यह जान लीजिए कि तीसरा चरण आते आते ईवीएम का राग शुरू हो चुका है। रामपुर में आजम खान के परिवार की तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई कि ईवीएम बड़ी तादाद में खराब हो रही। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मैदान में उतर आए ये कहते हुए कि सारा वोट बीजेपी को जा रहा है, यानी कि ईवीएम की पहले से सेटिंग हो चुकी है। ऐसा ही कुछ आरोप दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी लगा दिया। और दिलचस्प बात यह है कि आज ही जब अखिलेश यादव से पूछा गया कि शत्रुघ्न सिन्हा आपको बेहतर पीएम उम्मीदवार मानते हैं, आप किसको मानते हैं, तो अखिलेश यादव का जवाब था पीएम कोई भी हो बनेगा उत्तर प्रदेश से ही। हम सवाल पूछ रहे हैं कि जब ईवीएम पर भरोसा नहीं बनाने चले पीएम, इसी सवाल पर आज दंगल की डिबेट होगी। और आज ही मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से एक्सक्लूसिव बातचीत भी की है, जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में इस बार 74 प्लस सीटें जीतेंगे। कैसे, मोदी लहर से या ईवीएम के कहर से? देखिए पहले रिपोर्ट, फिर आपको बताते हैं मेहमान कौन कौन हमारे साथ। अब तक के जो तीन चरणों के चुनाव, दो चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, तीसरे चरण का है। जब 7 चरणों के चुनाव संपन्न होंगे तो आप देखेंगे कि पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी 400 प्लस के लक्ष्य को प्राप्त करेगी, यानी भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन। उत्तर प्रदेश में अब तक 2 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, आज तीसरे चरण में 10 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। हमें मान के चलते हैं कि अब तक के दोनों चरण भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद अनुकूल थे, आज तीसरा चरण है। 7 चरणों के चुनाव संपन्न होंगे तो भारतीय जनता पार्टी 74 प्लस के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहेगी। देखिए, राहुल गांधी को शेष चुनाव के दौरान और इसके आगे भी केवल जनता से माफ़ी मांगनी है, देश से माफ़ी मांगनी है। इन्होंने इतने कारनामे कर लिए हैं कि इनके पास माफ़ी मांगने के सिवाय कुछ भी रहा नहीं है। जो कांग्रेस देश में 55 वर्षों तक शासन करने के बाद भी इस देश के अंदर, इस देश के गरीबों का बैंक में अकाउंट न खुला पाई हो, वह कांग्रेस किसानों का और इस देश के गरीबों का हित करेगी? इससे बड़ा मुझे लगता है कि दिवास्वप्न दूसरा क्या हो सकता है। अगर प्रियंका वाड्रा बनारस में चुनाव लड़ती हैं तो क्या आपको लगता है कि आपके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट बचाना थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण हो जाएगा? और मुझे लगता है कि वाय और खुशी होगी हमें, लेकिन मुझे लगता है कि उनको अपनी माँ और अपने भाई की सीट को बचाने पे ज़्यादा अपनी मेहनत लगानी चाहिए। मुझे लगता है अन्यथा तीनों सीटों पे 0 के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है, और ये तय है। मुझे लगता है वह कांग्रेस के लिए बहुत बुरी खबर होगी जिस दिन उत्तर प्रदेश से कांग्रेस में के खाते में 3-0 आएंगे। साध्वी प्रज्ञा का जो मामला है, वह जब उन्हें क्लीन चिट मिली है भारतीय जनता पार्टी ने, तब जाके उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है। एक दूसरा, दुनिया की सबसे सहिष्णु, सबसे सदाशयता का भाव रखने वाली और वसुधैव कुटुंबकम का भाव रखने वाली, अपने जीवन का उच्च आदर्श बनाने वाली हिंदू जाति को जिस तरीके से कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने आतंकवाद का लेबल लगा करके बदनाम करने का प्रयास किया, तो साध्वी प्रज्ञा उस हिंदू आतंकवाद का एक जवाब है। और मुझे लगता है कि यह
भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने, संसदीय बोर्ड ने अच्छा कदम उठाया है। मुझे लगता है कि दो चरण के बाद ये जो लहर है, ये लहर अब विरोधियों के लिए ललकार बन गई है। एक ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दावा कर रहे हैं कि देश भर में बीजेपी की लहर चल रही है और फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी और महामिलावट वालों की नींद खराब हो रही है। लेकिन मोदी की राह में सबसे बड़ी चुनौती माने जा रहे अखिलेश और मायावती भी दम साधे हैं। तीसरे चरण की वोटिंग के बीच अखिलेश ने दावा किया कि देश नई सरकार चुनने जा रहा है, नया प्रधानमंत्री बनाने जा रहा है, लेकिन अगला प्रधानमंत्री कौन होगा इस पर अखिलेश चुप हैं। क्या मायावती जी प्रधानमंत्री हो सकती है? लगातार सवाल रहता है। देश के किसी कोने से कोई प्रधानमंत्री बन सकता है। उत्तर प्रदेश से बने तो हमसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। तो उत्तर प्रदेश से अगर बात होगी तो आपका नाम और मायावती जी का, क्या आप नाम मायावती जी का फॉरवर्ड करेंगे, फर्स्ट करेंगे? हालांकि चुनाव के बाद तय होगा, लेकिन आप जानते होंगे कि मैं किसके पक्ष में रहूंगा। अखिलेश की समाजवादी पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले रामगोपाल यादव भी 23 मई से पहले बताने को तैयार नहीं कि कौन होगा उनके गठबंधन का पीएम। अब तो क्या सहमत है इस बात से कि मायावती को प्रधानमंत्री बनने चाहिए? ये बातें जो है जो 23 तारीख के बाद, ये बार बार आप प्रायोगिक बात कर रहे हैं। नहीं, सवाल नहीं, नहीं, आप जो है कौन इतना मूर्ख है जो आपके सवाल का जवाब अभी देगा? नहीं, आप क्या मूर्ख समझते हैं? यूपी का महागठबंधन 23 मई के बाद नए प्रधानमंत्री का दावा तो कर रहा है, लेकिन ईवीएम से निष्पक्ष वोटिंग का सवाल भी उठा रहा है। कई जगहों पर ईवीएम की गड़बड़ी की रिपोर्ट्स पर अखिलेश ने इसे आपराधिक लापरवाही कहा है और सवाल किया कि निष्पक्ष चुनाव कैसे होगा। सुनने में आया कि कई जगह मशीनें खराब हैं, रामपुर में, मैनपुरी में, और जगह से भी सूचना आ रही है। मैनपुरी में यहाँ तक है, मैनपुरी में भी सूचना है, बदायूं की सूचना है, और बदायूं में तो मंत्री जी घर में छिपे हुए हैं सरकार के। तो सोचो अगर सरकार के मंत्री घर में छिपे हों, मशीनें खराब हो रही हों, तो कैसे निष्पक्ष होगा मतदान? लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने वहाँ पे कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन किसका है? क्या कोई मंत्री के खिलाफ एडमिनिस्ट्रेशन बोल सकता है? अखिलेश ने तो सिर्फ ईवीएम में आई गड़बड़ियों का ठीकरा फोड़ा, लेकिन मुंबई में टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू, एनसीपी नेता शरद पवार और कांग्रेस नेता सुशील कुमार शिंदे समेत कई दलों के नेताओं ने ईवीएम से छेड़छाड़ की आशंका दोहरा दी है। पार्लियामेंट इज नॉट अवेयर व्हाट इज हैपनिंग ऑन ईवीएम्स, ऑन इलेक्शन प्रोसीजर, ऑल दीज थिंग्स, वल्नरेबल टू प्रोग्राम एरर, इक्विपमेंट मॉल फंक्शनिंग, मिलिशियस टैम्परिंग, दैट इज वेयर ऑल ईवीएम्स वी आर सस्पेक्टिंग एज ऑन टुडे। ईवीएम को लेकर पहले भी कई बार विपक्ष मुद्दा बना चुका है, लेकिन चुनाव आयोग का चैलेंज स्वीकारने को कोई तैयार नहीं हुआ था। मुंबई से कमलेश और मैनपुरी से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए लखनऊ की जनता का, जो आज हमारे साथ दंगल का हिस्सा बनने के लिए यहाँ लखनऊ में इस चौराहे पर, जिसे 1090 चौराहा कहा जाता है, जिसके पीछे आप देख सकते हैं मेरे पीछे गौतम बुद्ध हैं, वहां कड़कड़ाती धूप में भी अपने नेताओं से सवाल पूछने के लिए लखनऊ के युवा इस वक्त डटे हुए हैं। और मेरे साथ दो युवा प्रवक्ता हैं, आज सीधी टक्कर होगी। बीजेपी का पक्ष रखेंगे सुधांशु त्रिवेदी और साथ ही समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे अनुराग भदौरिया। स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहले अनुराग भदौरिया, जो आज की डिबेट का विषय है, वही मेरा सवाल भी आपसे पहला है, ईवीएम पर भरोसा नहीं बनाने चल दिए पीएम? देखिए, ये अगर मैं ये बात आपसे पूछूं, क्योंकि आज तक की ब्रेकिंग रिपोर्ट थी कि 300 ईवीएम की मशीनें रामपुर में खराब हुई हैं, तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपका चैनल भी कह रहा है और डीएम साहब ने खुद बोला है कि आगे ये भी लिखा था कि आजम खान के बेटे ऐसा कह रहे हैं। नहीं, डीएम साहब लिखा था कि नहीं, नहीं, सुन लीजिए, आप ये कह दीजिए आज यहाँ से कोई बड़ा आरोप लगा दीजिए, आज तक पर ब्रेकिंग न्यूज़ चलेगी, आपको आगे लिखा होगा अनुराग भदौरिया। जो आपको कलेक्टर साहब पे विश्वास नहीं, डीएम साहब ने क्या बोला, हमारे ऑफिसियल थोड़े से ऑफिसर ट्रेंड नहीं है, उनको थोड़ी ट्रेनिंग की कमी मिली है, तो क्या ये नहीं मानेंगे आप? ईवीएम भी नहीं मानेंगे और सारे वोट आने वाले को जाना, दो अलग अलग बातें होती है। नहीं, ईवीएम खराब होना, ईवीएम नहीं चलाना, ईवीएम खराब है तो बीजेपी को चला गया, करना नहीं जानना, ईवीएम को ऑपरेट करना नहीं जानना और उसमें गलती पैदा करना, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है और हमारे विपक्ष के नाते जिम्मेदारी है। पहला फेज इलेक्शन चुनाव आयोग की, सरकार की नहीं,
हम क्या चुनाव आयोग चुनाव आयोग जो हमारा उत्तर प्रदेश का चुनाव आयोग है उसके ट्वीट है, मेरे ट्वीट से नहीं है, उसने खुद किए हैं कि 18 मशीनें यहाँ पे खराब हुई, 120 मशीनें रामपुर में हुई, कन्नौज में हुई, मैनपुरी में हुई, सीओ साहब खुद कह रहे हैं यहाँ के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। एक बात, दूसरी बात ये बता दीजिए आप, ये जिम्मेदारी जब फर्स्ट फेज इलेक्शन हुआ तो एक क्वेश्चन नहीं उठा, दूसरा फेज हुआ नहीं उठा, जब कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी आई तो आप चाहते हो कि विपक्ष बोले भी नहीं, माने जो हो रही गड़बड़ी होने दो, चलने दो, राम राज है, जो हो रहा है हो जाने दो, ऐसा तो नहीं होगा ना। जब गड़बड़ी होगी तो उस पर क्वेश्चन उठाया जाएगा, और इस बात पे आशंका जाहिर की जाती है कि पहला फेज आप बीजेपी हार चुकी है, दूसरा भी हार चुकी है, तीसरा बीजेपी को हारने का डर है, तो हम चाहते हैं कि भाई चुनाव आयोग तो इसकी पूरी इंक्वायरी करे, जांच करे, आखिर 300 मशीनें खराब कैसे हुई, हमारा ये मतलब है। इसको ऐसे भी तो सोच सकता है कोई कि पहला फेज आपका गठबंधन हार चुका है, दूसरा वो तो आप ही कह रहे हो सर, सर आप ही कह रहे हो जीत चुके हैं। अरे सवाल तो आने दीजिए, आप भाई हमारी नहीं है। सवाल तो होने दीजिए, ये मीडिया की रिपोर्ट है, हमारी सवाल की रिपोर्ट सुन लीजिए, अभी तो मेरा सवाल खत्म नहीं हुआ। तीसरे में आपको बीजेपी को, पहली बात तो मुझे नहीं पता आप कौन सा एग्जिट पोल देखा है, क्योंकि अभी तो एग्जिट पोल होता नहीं है ना ये। एक सेकंड ना, फिर सवाल तो सुन लीजिए, आप पहले ही बोले चले जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि आप ये कह रहे हैं पहला ये हार गए, दूसरे हार गए, तीसरे में इसलिए इन्होंने गड़बड़ करा दी, हमने गड़बड़ नहीं करा दी, आशंका जाहिर हो सकती है। चलिए अब मैं इस आशंका को दूसरे तरीके से पूछता हूँ, इसके पहले की सुधांशु के पास जाऊं, ये भी तो हो सकता है कि पहला आप हार गए, दूसरा हार गए, तीसरा भी हारते हुए लगा तो तुरंत मैदान में आके रोने लगे कि देखो गड़बड़ करा रहे। फिर अभी अभी ये देखो आपका सोचने का तरीका है, आप ऐसे सोचिए जैसे मैंने सोचा। मैं वही कह रहा हूँ भाई, बीजेपी अपने आप से सोच सकती है, हम अपने आप से सोच। मैं वही कह रहा हूँ, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। सुधांशु त्रिवेदी, इस बात की आशंका पहले से जताई जाती रही थी कि ईवीएम को लेकर हंगामा होगा, उसके बावजूद क्या चुनाव आयोग ने सतर्कता नहीं बरती, या ये सामान्य बात है कि 300 ईवीएम खराब हो गई? आपने कहा कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, बिल्कुल सच है। 2014 का लोकसभा होने के बाद 14 उपचुनाव हुए विधानसभा के, हम 10 हार गए थे, ईवीएम सही थी। पिछले एक साल में हम गोरखपुर हारे, ईवीएम सही थी, फूलपुर हारे, ईवीएम सही थी, कैराना हारे, ईवीएम सही थी, अजमेर हारे, ईवीएम सही थी, मंदसौर हारे, ईवीएम सही थी, कर्नाटक हारे, ईवीएम सही थी, पंजाब हारे, ईवीएम सही थी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान हारे, ईवीएम सही थी। अब क्या हुआ है कि तीसरा चरण आते आते उत्तर प्रदेश के तीनों दल धराशायी होते हुए अपने को महसूस कर रहे हैं, इसलिए अपनी अवश्यंभावी हार के लिए उन्होंने एक बहाना ढूंढना शुरू किया। देखिए हकीकत जानते क्या है, यूपी में तीनों दल अलग कारण चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस को अपनी हैसियत बनानी है, भाई इन लोगों को निकाल के बाहर कर दिया, तो जो हम लोग कहते हैं ना मोहल्ले में कोई निकाले कर दे, ऐसा थोड़े हम हन भाई, ऐसे कैसे, तो कांग्रेस को हम हन दिखाना है, और बबुआ और बुआ जी को अपनी अपनी जमीन बचानी है, तो सपा बसपा जमीन बचाने के लिए, कांग्रेस हैसियत बनाने के लिए चुनाव मैदान में है, सरकार बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ भाजपा चुनाव मैदान में है। लेकिन सुधांशु जी, इस बात को तो आप नकार नहीं सकते ना, कि जब आप विपक्ष में थे तब आप भी कहते थे ईवीएम खराब है, ईवीएम खराब है, आपके लोगों ने तो पूरी पूरी किताबें लिख दी कि कैसे ईवीएम खराब है, आज आप सत्ता में है तो इनका मजाक उड़ाते हैं जैसे ये कहते हैं ईवीएम खराब है। आपने बात बिल्कुल सही कही, कोई भी चीज टेक्नोलॉजी से आती है उसके अंदर कोई चीजें होती है, इंप्रूवमेंट होता है। अरे अच्छा। भाई 20 साल पहले का जो मोबाइल था 10 साल का और बेहतर हुआ, आज का और बेहतर हुआ, वो अलग बात है, मगर हमने कभी अपनी पराजय स्वीकार करने में एक बार भी हिचक नहीं दिखाई। जब हम हारे हमने ईमानदारी से स्वीकार किया कि हम हार गए, मगर इनके साथ समस्या है कि ये जीते तो इनकी जीत है, तब भी हमने ईवीएम में खराब की है, अगर आपको याद ना हो तो। अच्छा एक बात बता दीजिए अनुराग भदौरिया, ऐसा तो नहीं होगा कि जीते तो हम और हारे तो ईवीएम ईवीएम ईवीएम? अब आप नहीं, हमारे में और भारतीय जनता पार्टी में फर्क इतना है, इन्होंने अभी देखा अपने बीजेपी के प्रवक्ता महोदय कह रहे हैं हम सत्ता बनाने की, हम सत्ता की लड़ाई लड़ रहे हैं। सर हम सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता के न्याय की, सामाजिक न्याय की, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय की लड़ाई है, उनके लिए सत्ता की लड़ाई हो सकती है क्योंकि सत्ता की लड़ाई लड़ी रहे हैं, उनको झूठ और फरेब से लड़ना है, जुमलों से लड़ना है, हम आएंगे हम ये कर देंगे वो कर देंगे। हम बता रहे हैं आपने जनता के लिए, जब जनता की बात होती है, किसान की आत्महत्या की बात होती है तो आप चुप मार के बैठ जाते हो, बेरोजगारी की बात करेंगे तो चुप मार के बैठ जाओगे, महिलाओं पर अत्याचार की बात करेंगे चुप मार के बैठ जाओगे, महंगाई की बात करेंगे चुप मार के बैठ जाओगे, लेकिन जाति धर्म की बात करोगे आप चिल्लाने लगोगे धनाधन जात के नाम पे धर्म के नाम पे। आपसे पूछना चाहता हूं जनता की समस्या की बात जो आपने 2014 में चिल्ला के गला चीख के की थी, प्रधानमंत्री जी क्यों उस बात को भूल गए 2019 के आते आते, 19 में उनके भाषण क्यों बदल गए, क्यों जनता की बात आप क्यों नहीं करते, वो
क्यों जनता की बात नहीं करते? अपने सुविधा अनुसार जनता की बात करेंगे या जनता का नहीं सुविधा के अनुसार जनता की बात करेंगे या जनता के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं? आप सत्ता के लिए लड़ रहे हो, इसलिए आप पीडीपी से गठबंधन बना लेते हो कि सत्ता चाहिए आपको। अपना दल से आपने गठबंधन बनाया जो आपके साथ रहना नहीं चाहती थी। नहीं, पूरा कर सुनने को तैयार हो इसलिए क्योंकि आपको सत्ता चाहिए और कुछ नहीं। एक सेकंड, एक सवाल और आ गया क्योंकि आप बात सही कही। सुधांशु जी एक सेकंड, एक सवाल और आ गया मन में क्योंकि आप आते आते गठबंधन पे आ गए। सर आज कम से कम हाथी पे बैठ के तो गठबंधन की बातें मत कीजिए ना। अरे तो भैया तो आप भी उसी में आ गए ना। अजीब सी बात है, अब तो आप भी उसी में आ गए। जैसे ये पीडीपी में से आप मायावती। नहीं नहीं नहीं, हां नहीं, मायावती में बहुत फर्क है सर। अच्छा, कंपेयर मत कीजिए। अच्छा नहीं नहीं, एक अलगाववादी पार्टी के साथ गठबंधन और एक विकास की पार्टी, देखिए ये जाम खड़े हैं किसने बनाया? मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ ये किसने बनाया? रिवर फ्रंट जहाँ पे आप अपना डिबेट करते हैं किसने बनाया? लखनऊ के किसी कोने में, कल भी आपने की थी घंटाघर में, वो भी अखिलेश यादव जी की देन है। जहाँ आप खड़े हो बहन जी ने दिया, आगे अखिलेश यादव जी ने दिया। बीजेपी का कोई पॉइंट बता दीजिए, बीजेपी का कोई पॉइंट बता दीजिए जहाँ पे खड़े हो कि आप डिबेट करवा पाओ। एक पॉइंट लखनऊ में बता दो जहाँ पे डिबेट करवा पाए, कोई ऐसी अच्छी जगह बनाई हो। आप सुधांशु जी जवाब दीजिए इनकी बातों का। देखिए विरोधी दलों के बीच में गठबंधन होता है, कई बार होता है, हमने भी किया है, मगर ये गठबंधन बड़ा विचित्र है सर। काम गिनाइए, सर काम गिनाइए, छोड़िए काम की बात कर रहा हूं। करके वो अपने भाई काम गिनाने की बात होती, वो आपकी बात सुनते रहे, आप भी याद दिला दो काम की बात। अगर काम की बात होती अनुराग जी तो आपकी गठबंधन की नेता दो दिन का बैन इसलिए झेलती है काम की बजाय कौम के नाम पर वोट मांग रही है। किसने क्या किया था? आप काम की बजाय कौम के नाम पर वोट मांग रही है? उत्तर प्रदेश में ढाई साल से योगी जी की सरकार है, सिवाय तोड़ने के फोड़ने के कोई काम गिनाइए या ढाई साल का, और पांच साल की वहां की सरकार गिनाइए बस। आप एक अब बात, अब वो जवाब दे, अभी आपको और बोलना काम की बात नहीं तो पहले जवाब तो दे। वो मेरे गठबंधन की बात, सवाल आपने पूछा उसके बाद आप जवाब भी चाहते हैं कि मेरे हिसाब से लिखे, उनको बोलने दीजिए, आपको पसंद नहीं आए फिर बोलिए। बोलिए सुधांशु जी, देखिए समस्या क्या है। अच्छा बीच में नहीं, सर बीच में नहीं, मैं नीचे आऊंगा तब बोलिए। काम कैसा है? बोलिए, सुनिए काम ऐसा है, ये काम की बात कहते हैं। अभी ऐसे दो दलों का गठबंधन है, जिनके नेताओं ने एक दूसरे का के खिलाफ अपना अपना काम तमाम कराने का मुकदमा दर्ज किया। भाई देखिए जानी दुश्मन कभी नहीं रहे, सब बात है। और सुनिए ऐसा ही नहीं है, आज वो कहते हैं हम स्टेट गेस्ट हाउस कांड को भूल गए, गले मिल गए, कोई बात नहीं। तो भैया मुकदमे वापस ले लिए क्या? मुकदमा आज भी चल रहा है जान से मारने का, और उसके बाद गले भी मिल रहे हैं। अब याद करिए एक दूसरे के खिलाफ बयान बहुतों ने दिए हैं, मगर 1996 में सपा के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष रामचरण दास जी ने मायावती जी के लिए कोट अनकोट में गुंडी शब्द प्रयोग किया था, और उन्होंने मुलायम सिंह जी के लिए गुंडा शब्द प्रयोग किया था, और 2007 में नारा लगा था चढ़ गुंडन की छाती पर मोहर लगाओ हाथी पर, और अब क्या हो गया? सब गुंडे चढ़ गए हाथी पर, चलेगी गोली छाती पर। लेकिन सुधांशु जी ये बात तो है ना कि अनुराग भदौरिया यहाँ खड़े हैं छाती ठोक के कह रहे हैं कि पीछे आपको जितना काम दिख रहा हमने कराया, कल जहां हमने शो किया घंटाघर वो भी दावा कर रहे हैं कि हमने कराया भी हमारा। आप बताइए कि आपकी सरकार ने ढाई साल में उत्तर प्रदेश में क्या काम कराया? जितना काम दिख रहा है ना, इसके नीचे क्या क्या काम हुआ है वो भी तो पता होना चाहिए। वो जितना ऊपर है उसके साथ नीचे भी है। और मैं और बात काम कर दिया तो नीचे जाएंगे काम। अरे काम नहीं गिना पा रहे, आप गठबंधन की बात करोगे, 96 की बात करोगे, 94 की बात करोगे, 2000 की बात करोगे। अब आपसे पूछ रहे हैं 2017 में सरकार आपकी बनी है, मैं तो सीना चौड़ा करके बोल रहा हूँ कि मेरा काम है, और आप बात को घुमा रहे हो छत गुंदन की छाड़ी पे, इस पे उस पे। आप काम गिनाइए, जो मैं काम जनता चाहती है वो बताइए, आपने क्या किया? जो काम किया उसको आप बता रहे हैं, देख लो। सुनिए आप सुने काम, देखिए हमारी सरकार आने के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि पूरे देश में वो 18,000 गांव जिनको बिजली नहीं मिली, कहाँ है वो? पहली बार ऐसा हुआ कि देश की 50% जनसंख्या जिसके पास काम दिखाई नहीं पड़ता, कहां है पता नहीं, 18,000 गांव, हमारा तो खुले आसमान के नीचे है, आसमान के नीचे काम है, देख लो 97% हुआ ये काम, 18,000 फर्जी डाटा ले घूमते रहते हैं बिना पोल की लाइन में, नीचे और विकास की दर ऊपर, जब मैं नीचे जाता हूं जरा लोगों से बात करता हूं, आप बोलते रहिए अपनी बात, ऊपर थी। अरे ये है भारतीय जनता पार्टी। अच्छा सुनिए, अगर हमारे काम में जरा भी कमी होती, पकड़े बैठे हैं, अगर हमारे काम में जरा भी कमी होती तो बबुआ को बुआ की गोदी में बैठने की जरूरत नहीं होती। सुनिए सुनिए एक सेकंड, ओके जय अखिलेश ठीक है, आप लोग भी ठीक है नारा लगाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, एक बार अपने नेताओं की बात सुनिए फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ, अपनी अपनी बात कहिए, नारेबाजी से क्या हासिल होगा? कुछ भी नहीं। रुकिए तो सही, अभी अभी आप दोनों के पास आऊंगा, दोनों के पास आऊंगा। वो कह रहे अखिलेश ने स्टेडियम बनाया, आप कह रहे 13,000 करोड़ खाया,
रुकिए दो, रुकिए पहले बैठिए 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 एक सेकंड एक सेकंड एक बात तो अनुराग भदौरिया जी, आप कहते हैं कि जवाब नहीं देते, जवाब देने लगते हैं तो आप लगातार जवाब देते नहीं ना, जवाब दे मैं चुप हो जाऊंगा, ये काम बीजेपी काम गिना दे, ये जनता को गिना दे दीजिए ना सर, मैं यहां से उठ के चला जाऊंगा अगर ये काम गिना दे तो दिखाई पड़ रहा हूं, आप ये जनता को तय करने दीजिए, बता देते हैं इसके नीचे क्या है इसके ऊपर क्या है, तो आप मान रहे हैं ये फ्रस्ट्रेशन देखने को मिलता है, आप ये मानते हैं, हम चैलेंज से कह रहे हैं जहां नजर घुमाओ ये हमारा काम है, एक सेकंड आप ये मानते हैं के बोलते हैं सब मेरा काम है, देखो भदौरिया जी, भदौरिया जी मायावती का देख लो सब हमारा काम है, भदौरिया जी पूरा लखनऊ देख लीजिए, रैली नहीं चल रही है, सुनिए काम बताने को नहीं, बात सुनिए एक मिनट एक सेकंड एक सेकंड नारेबाजी मत कीजिए, एक बात बता दीजिए क्या आप ये मानते हैं कि अगर ये इसके नीचे की बात करेंगे तो आप लोगों को परेशानी पड़ जाएगी, नहीं नहीं ये फर्जी बोलते हैं क्योंकि इन्होंने किया नहीं तो फ्रस्ट्रेशन कैसे बताएं, ठीक जब आप करते अच्छा ये बताइए सुनिए सुधांशु त्रिवेदी अगर ये सामाजिक परिवर्तन प्रतीक स्थल जब बना था तो ये समर्थन में थे कि विरोध में थे, ये दो दो हाथी बने ये इनका काम है, ये जो यहाँ पे स्मारक बने ये अम्बेडकर पार्क की बिजली कटवा दी थी, आज ऐसी मजबूरी आ गई है कि सबको मिलके एक होना पड़ रहा, काम में जरा भी कमी होती तो बबुआ को बुआ की गोदी में बैठने की जरूरत नहीं होती, एक सेकंड आप ही के कार्यकर्ता जरा इनका एक सवाल ले लेते हैं, आपका सवाल है या आपकी राय है कोई, सवाल है हाँ पूछे, हमने जमीन के ऊपर काम किया जमीन के नीचे काम दिखा रहे हैं, हम तो दिखा रहे हैं जहाँ पे डिबेट हो रही है ये भी अखिलेश भैया ने बनवाया, एक आना इंटरनेशनल स्टेडियम अखिलेश ने बनवाया, ये जमीन के नीचे दिखाए ना क्या बनाया, बैठिए बैठिए इतना बढ़िया शर्ट पहन के चश्मा लगा के आए, बात तो ढंग से रखिए, देखिए चारों तरफ जहाँ भी देखिए हर तरफ अखिलेश का काम है, ये हमको दिखा दे कि यहाँ पे बीजेपी का क्या काम हुआ है, सिर्फ बीजेपी के काम में एक काम हुआ है, ये हिंदू हम मुस्लिम बस, हमें यहाँ एक काम दिखाइए कि बीजेपी, एक सुधांशु ने सवाल उठाया एक सेकंड, एक सुधांशु ने सवाल उठाया कि जब ये बन रहा था और आपकी सरकार आई थी तो वो तो चाहती थी कि सबको तोड़ दिया जाए, इस पे हथौड़ा चला दिया रोहित जी, मैं एक मिनट मैं बताना चाहता हूँ, ये सिर्फ देखिए वो चाहते कि तोड़ दिया जाए, इससे क्या मतलब, अखिलेश जी चाहते थे, अखिलेश जी चाहते थे ये तो अगर तोड़वाना ही तो विकास क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, तब तोड़वाना चाहते थे अब विकास है वो, ठीक है बोलिए अपनी बात, बोलिए इनसे ये पूछिए अपनी बुआ जी की मूर्ति क्यों तोड़ी थी, अगर तोड़ी थी तो गठबंधन क्यों किया, अब जनता दिखा देगी 2019 में माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएगी और अखिलेश जी को हराएगी और पाकिस्तान भेजेगी, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि जो हाथी बना हुआ है इसकी कीमत 10 लाख रुपए है, 62 लाख रुपए एक हाथी की कीमत कितना घोटाला हुआ ये आप खुद समझ लीजिए, मुझको ये कहना है कि जो ठगबंधन हुआ था वो ठगबंधन जब होने के बाद इनको मैं ये कहना चाहता हूँ जो ठगबंधन हुआ था और ठगबंधन इनको पता हो चुका है कि इनकी हैसियत अब इनको जिताने नहीं जाएगी, इस वजह से ईवीएम पे होना स्टार्ट कर दिया, ओके बोलिए क्या बोले महिलाओं पे, भाई साहब मेरा अनुराग जी से एक प्रश्न है कि देखिए यहाँ पर एक पावर वुमेन लाइन बना था, ठीक है वो समाजवादी सरकार में बना था, मगर इन्हीं के नेता ने एक स्त्री के ऊपर इतनी अभद्र टिप्पणी करी, तो क्या ये वही समाजवाद है जिसकी ये दम भरते फिरते, सवाल लेता हूँ उसके पहले एक दो कमेंट और ले ले, ये लड़कियां आप कुछ कहना चाहती है, सर हम युवा हैं, हमें ये जानना है कि गठबंधन चल रहा है हम लोगों को ये विरासत में दे क्या रहे, एक दूसरे को काट रहे हैं, सास बहू की तरह लड़ते रहते हैं, क्या कभी इन लोगों ने एकजुट होकर एक सोचा है कि हम लोगों को आगे बढ़ाए, आगे कुछ हम लोग प्रोग्रेस करवाए, सर इन्होंने कहा था 2014 में जब इलेक्शन आए थे उन्होंने कहा था कि जो रोजगार है वो मिलेगा, लेकिन जमीनी स्तर पे हमें ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो मेरा क्वेश्चन सर से है बीजेपी प्रवक्ता से, बोलिए आपका क्या सवाल है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं बोलिए, सर ना एजुकेशन पे बात होती है और ना जो मतलब बेरोजगार हो गए हैं ना उन पे ना उनकी कोई बात होती है, ये जो एयरजेट के अभी जो इतने लोग थे बेरोजगार मतलब जो है कर्मचारी लोग जो है नीचे आ गए उनकी ना उनकी कोई, आप कुछ कहना चाहते हैं, आप लोग ये सब युवा आए हैं यहाँ देखिए पढ़ते हैं सब लोग, आप लोग कुछ कहना चाहते हैं, आप आइए क्या कहना चाहते हैं, दौड़ के आइए जल्दी इधर पीछे की तरफ, क्या बोलना चाहते हैं, उसके बाद सुधांशु जी से और अनुराग से आपकी बात पूछते हैं, बोलिए, मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ, बीजेपी की पार्टी में गोरखपुर में ही डेवलपमेंट मुझे दिखा है, मैं पैदाइशी वहाँ रहा हूँ 20 साल और आज मुझे यही कहना पड़ता है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार मैं चाहता हूँ कि रहे, अच्छा। मैं क्यों ये नहीं चाहता हूँ, बोलिए आप क्या बोलना चाहते हैं, बोलिए, मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अभी जितनी भी रैलियां कर रहे हैं उसमें कहीं भी वो ऐसा कोई बात अपना काम नहीं गिना रहे, वो केवल पुलवामा गिना रहे, ये सब गिना रहे हैं, तो शहीदों पे कब तक वोट मांगेंगे, काम गिनाइए ना, सुधांशु जी जवाब दीजिए शहीदों पे कब तक वोट मांगेंगे, और दूसरी बात जो उन्होंने पूछी आपसे
वो ये कि भाई रोजगार की, शिक्षा की, ये सारी बातें चुनाव प्रचार के भाषणों में क्यों नहीं होती है? आप जवाब दीजिए, फिर अनुराग जी बोलेंगे। देखिए, हमारा तो मुद्दा यही है, अभी आते, रुकिए, विकास बोलिए, शिक्षा। मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, ये बताइए गरीब और निर्धन आदमी की सबसे बड़ी जिंदगी की टेंशन क्या होती है कि कभी बीमार हो गए तो हजारों नहीं कभी कभी लाख का बिल होता है तो क्या होगा? 10 करोड़ लोगों को आयुष्मान योजना के द्वारा 5 लाख का इंश्योरेंस हमने दिलवाया। पता नहीं कहां, आप सुनिए, पहले एक जमाना था जब भारत के एक प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय राजीव गांधी जी, जो कहते थे दिल्ली से 1 रुपया चलता है तो 15 पैसे पहुंचता है। आज सारा खाता खुलवाकर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा मोदी जी के रिजिम में 100 का 100 पैसा पहुंचता है। और तीसरी बात, जो रोजगार की बात है, मैं कहना चाहता हूं पूरी ईमानदारी के साथ, 14 करोड़ लोन आप चलिए उसको मत मानिए, मुद्रा के स्टार्टअप का लोन मत मानिए, मैं कहना चाहता हूं 3 गुनी ज्यादा सड़कें बनी, रोजगार नहीं क्रिएट हुआ होगा। 2.5 गुना ज्यादा रेलवे के ट्रैक बने, रोजगार नहीं क्रिएट हुआ होगा। 2 करोड़ 53 लाख मकान बने, आसमान से जिन्नातों ने आके बना दिए, रोजगार नहीं क्रिएट हुआ होगा। 20 से अधिक हवाई अड्डे बने, रोजगार नहीं क्रिएट हुआ होगा। चीन से आगे बढ़कर भारत सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई, रोजगार नहीं क्रिएट हुआ होगा। फ्रांस को पीछे छोड़कर 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई, रोजगार नहीं क्रिएट हुआ होगा। मूडीज ने रेटिंग बढ़ाई, रोजगार नहीं क्रिएट होगा। लखनऊ की भाषा में कहना चाहूंगा, नजारा कितना भी बदला हो, देखने के लिए नजर तो चाहिए। अच्छा बोलिए भाई साहब। वैसे अनुराग जी, एक बात कह दूं, पूरा कर लो, सुनिए तो, सुनिए फिर आप जवाब दीजिएगा। ये जो एक वाक्य कर दूं अनुराग जी, बोलिए बोलिए, ये जो हाथी हैं, याद करिए ये 2012 में चुनाव आयोग में कौन गया था कि हाथियों पे पर्दा डाल दो, ये तो बसपा का प्रचार कर रहे हैं। अच्छा, और आज वही हाथी मेरे साथी हो गए। अब आपने जवाब, एक मिनट पूरा, आपका सवाल सुधांशु जी की सारी बातें आपने सुनी, मैं आपकी भी सुनूं, हम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि काम गिना दो तो नहीं गिना पाए। मैंने पूछा, और रोहित जी आपको भी इस बात का एहसास हो गया होगा, जैसे आप नेताओं से हट के पीछे गए हो, उन्होंने रोजगार मांगना शुरू कर दिया। वो बच्चे जो पीछे बैठे हैं वो किसी पार्टी के नहीं है, ये मेरे हो सकते हैं, ये सुधांशु के हैं। पीछे बैठने वाली लड़की किसी पार्टी की नहीं है, लड़के वो किसी पार्टी के नहीं है, उन्होंने अपना रोजगार की बात की। ये असली मुद्दा है समाज के अंदर में। हम आप राजनीति कर सकते हैं, हम अपने नेताओं को लाके यहाँ जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा सकते हैं, लेकिन जो पीछे बैठी जनता है, जो युवक है, वो क्या मांग रहा है कि आप आज भी शहीदों के नाम पे वोट मांग रहे हो, आज भी आप रोजगार के नाम पे वोट नहीं मांगना चाहते, आज भी महंगाई पे वोट नहीं मांगना चाहते, आज भी आप विकास पे वोट नहीं मांगना चाहते, ये आपकी हैसियत होगी? 5 साल बाद, 5 साल पहले आप चिल्लाते थे रुपया मेरा पतला होता जा रहा है, केंद्र की सरकार क्या करती है, यही मोदी जी के टाइम में रुपया पतला तो क्या पानी से भी ज्यादा बह गया? और कोई चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं है, चिंता सत्ता पाने की है, सत्ता की लड़ाई है। 38 पार्टियों से गठबंधन है, शिवसेना से गठबंधन करेंगे जो इनको चोर बोलती है, ये जेडीयू से गठबंधन करेंगे जो डीएनए टेस्ट की बात करते थे, ये लोग पीडीपी से गठबंधन करेंगे, ये राजभर से गठबंधन करेंगे जो पानी पीपी के गाली देता है। क्यों? सत्ता चाहिए, सिर्फ सत्ता चाहिए। ये इनको देखो, जहां देखो वहां गठबंधन, किस बार 38 पार्टी का, सत्ता की भूख है। हमें सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़नी है, जनता की लड़ाई लड़नी है, जो रोड पे सामने आपको दिखाई पड़ती है। इनकी तरह हम 96-94 में नहीं भाग रहे हैं, इनकी तरह सामने चिल्ला चिल्ला के 2012 से 17 के बीच में अपना काम गिनाते हैं। कहो तो एक सांस में गिना दूं, कहो कि गिना दे, मेट्रो किसने बनाई, समाजवादी ने, एक्सप्रेस वे किसने बनाया, समाजवादी ने, जहां आप खड़े हो 1090 समाजवादी, 100 डायल समाजवादी, समाजवादी पेंशन, समाजवादी बेरोजगार भत्ता, और सारी रोड किसने बनाई है, ये रोड 52 डिस्ट्रिक्ट को जो 4 लाइन से जोड़ा गया समाजवादियों ने बनाया है। लोगों के कमेंट ले, अपना काम गिनाए, बोलिए छोटा छोटा। मैं भदौरिया जी से कहना चाहूंगा, भदौरिया जी आपकी काम की सरकार है, कांडो की सरकार है, आगरा कांड, मुजफ्फरनगर कांड, बिसाड़ा कांड, और नेतागिरी कर रहे हैं। जनता से पूछो जो पीछे बैठी है। मैं जाटा समाज से आता हूँ, मैंने समाजवादी सरकार में देखा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जितनी मूर्ति समाजवादी सरकार में देख रहा हूँ, और समाजवादी सरकार है। आप रुके, आप बोल चुके, वो पीछे रह गए, देखे उनका नंबर नहीं आया अभी तक। अब बैठ के बोलिए, आराम से बोलिए, बैठ के क्या बोलना चाहते हैं? सिर्फ आजम खान पे अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आप महिला सुरक्षा की बात करते हैं और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? अगर वो डिंपल जी के लिए बोलते तो क्या कार्रवाई होती कि ना होती? मैं भी इनकी बात से सहमत हूँ कि आजम खान साहब को अभी तक कार्रवाई के अंडरटेकिंग में। ठीक ठीक, ऐसा ऐसे ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं कीजिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठिए 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 बैठिए। देखिए आपके आपके पीछे वालों ने मुंह छुपा लिया कि कैमरा आ गया, रुक जाइए, ऐसी भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठिए 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 बैठिए, एक एक करके, जरा एक एक करके दोनों दोनों से जवाब लेते हैं।
बैठिए जाओ उसको वहां से। देखिए ये वो रिकॉर्डिंग में नहीं है, गाली दे रहा है, कैमरा पर नहीं है, उन्होंने आपसे कहा, टीवी पर नहीं है वो बात। बैठिए आप आराम से, बैठिए आराम से, बैठिए, आपस में झगड़ा करने की स्थिति पैदा मत कीजिए। अनुराग भदौरिया आपका कमेंट हो चुका, अनुराग भदौरिया दोनों से एक एक कमेंट ले रहा हूं और उम्मीद करता हूं एक एक करके जवाब भी देंगे। बीच में दो तीन बार सवाल आया, पहले रह गया था, मैंने आपसे पूछा नहीं क्योंकि मुझे लगा आजम खान पे समाजवादी पार्टी में किसी की बोलने की हिम्मत नहीं होती, आपकी भी नहीं होगी। पूछिए ना, पूछ रहा हूँ, बोलिए। आजम खान सामने किसी का नाम लिया? आजम खान ने बोला 17 साल मतलब 1994 में अमर सिंह ने पार्टी ज्वाइन की थी, 2011 में गए हैं, 17 साल होता। एक बात मैं पूछना चाहता हूं मंच के माध्यम से, अमर सिंह का अंडरवियर देखा था? मैं अपनी बात कर लूं और मैं पूछना चाहता हूं चैलेंज से, मां की गाली देने वाले को इन्होंने क्या किया? सतपाल सत्ती को खड़े होकर मां की गाली दे रहा है, मन से नाम लेके गाली दे रहा है, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। मां की गाली देने वाले को आप सहन कर लोगे? हम सहन नहीं करेंगे ऐसे व्यक्ति को। क्या किया इन्होंने उसके खिलाफ? क्या कार्रवाई की मां की गाली देने वाले को? क्या कार्रवाई की इन्होंने? क्या कार्रवाई की उन्नाव के रेप हत्याकांड के विधायक के बारे में? ये हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं ये लोग हैं जो सिर्फ इशू बनाते हैं। इशू हम आजम खान सामने किसी का नाम नहीं लिया, आप ही के सवाल का जवाब दे रहे हो। अब बताइए अमर सिंह की बात की है तो नाम भी लिया था और नाम लेके पढ़ के सुनाया था राहुल गांधी के बारे में गाली देते हुए, आप लोगों ने क्या कार्रवाई की? देखिए जो उन्होंने बोला था वो सर्वथा भर्त्सना योग्य है, पार्टी ने उसको पूरी तरीके से रिजेक्ट किया था और वो उन्होंने कुछ अगर किसी का पार्टी बोला तो कार्रवाई क्या किया? पार्टी से निकाला उन पे कार्रवाई क्या किया? पूछना चाहता हूं जनाब, देखिए आप बोल रहे हैं पार्टी से निकाला जी, भदौरिया जी, अरे मैं पूछना चाहता हूं आज से नहीं 1990 में पूछिए, 90 में को डायरेक्ट किसने बोला था? 95 आज की बात नहीं करोगे? चले गए ये भगोड़े लोग हैं, भगोड़े इनको आज की बात नहीं करवाई है। बताइए मुझे जवाब चाहिए आज। अरे क्या जवाब चाहिए आप? जवाब हो आपने कार्रवाई की और क्यों जवाब नहीं हो सकता? कारण कौन सा जवाब? देखिए आप सब लोगों ने पुरानी फिल्म सुनी होगी मुगले आजम, किसका जवाब? आजम का मतलब होता है सबसे ऊंचा। अरे भैया सबसे ऊंचा है वहाँ सभा में अखिलेश, अखिलेश की क्या औकात जो आजम खान सवाल पूछ रहे? बोला नहीं है तो देखिए ये इनका फ्रस्ट्रेशन है। आजम खान सामने जब नाम नहीं, आजम खान नजर आ रहा है, पूरी सीडी सुन ली, सुनने के बाद उनको भी एहसास हुआ कि नाम नहीं लिया गया है, उसमें नाम नहीं लिया गया है। अमर सिंह के बारे में चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, आप महिलाओं की बात करोगे? आप उसको उन्नाव के विधायक को आप घूम रहे थे, एक दलित महिला जिंदा चला दी गई, आप महिलाओं की बात करोगे? सर से नहीं, सर फाड़ दिया गया, सर फाड़ दिया। और आपका मुख्यमंत्री क्या कहता है? सर उड़वाना जो होता है पुराने लड़कों से गलती हो जाए, आप महिलाओं की बात करोगे? महिलाओं पे अत्याचार करके, चलिए चलिए एक काम करिए, बरसाओगे महिलाओं पे? एक काम करिए रुकिए, दोनों लोग रुकिए थोड़ा सांस लीजिए, पानी वानी पीजिए, थोड़ा सा रुकिए मत कीजिए, थोड़ा शांति रखिए। एक चीज सुधांशु जी और अनुराग भदौरिया, आप दोनों को एक एक मिनट दे रहा हूँ, फिर से वापस एक एक करके अपनी अपनी बात रखिएगा। अब जब आपने ये तय कर लिया कि मायावती से भी गठबंधन करना पड़े लेकिन नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए हम पूरा जोर लगा देंगे, बीजेपी राजनाथ सिंह के लिए आपने कुर्सी गिफ्ट में दे दी सर, आपने इतना कच्चा कैंडिडेट उतारा यहाँ लाकर, आपको लगता है जब इलेक्शन जब 23 मई को वोटिंग होगी, जब वोट रिजल्ट आएगा तो आपको पता चलेगा कि कहां गायब होगी भारतीय जनता पार्टी। मैं आपको एक बात बता देता हूं भदौरिया जी, कहां गायब होगी भारतीय जनता पार्टी, ये मेरा आकलन नहीं है, पता चलेगा। ठीक है बीजेपी तो कहेगी क्योंकि बीजेपी को अपना माहौल बनाना है, बीजेपी का भी नहीं, नहीं बीजेपी का सामान्य लोगों की बात कर रहा हूं, पता चल जाएगा। बहुत से लोग आपके जानते ही नहीं है कि आपने कैंडिडेट किसको बनाया, क्या हो रहा है, चिंता मत कीजिए, बहुत से लोग नहीं जानते कैंडिडेट कौन है, इसी मुखालते में रहे। एक बात बता दीजिए सुधांशु जी, क्या अंदर खाने फिक्सिंग हुई लखनऊ की सीट को लेकर? कांग्रेस भी कमजोर कैंडिडेट देगी और गठबंधन भी? बोलिए, देखिए मत लगाइए, देखिए अखिलेश मोदी करने से कुछ हासिल नहीं होगा, बैठ जाइए, आप ये राजनाथ सिंह नहीं है इसमें, दोनों को रोका, बैठ जाइए। एक बात रह गई, हाँ बोलिए, ये खुद ही नहीं राजनाथ सिंह को जिताना चाहते बीजेपी के कार्यकर्ता, ये मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं, सोचो ये चाहते ही नहीं है राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री बने। देखिए मैं बताता हूं, राजनाथ सिंह नारा लगाए, बोलिए लगाइए राजनाथ सिंह को, बताइए प्रधानमंत्री बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? नहीं बनाएंगे ये अनुराग नहीं बनाएंगे, मैंने कहा ना दोनों अपनी अपनी बात रखे, सुना दी आप बोल चुके ना, अभी कहा आपने बोले नहीं दिया। फिक्सिंग क्या होती है समझिए, यही फिक्सिंग है। शॉटगन सिन्हा साहब किसके प्रत्याशी है? कांग्रेस के। और लखनऊ में आके क्या बोलते हैं? पीएम मटेरियल अखिलेश है, गजब की फिक्सिंग है साहब। और फिक्सिंग यह होती है कि यहाँ कांग्रेस से और बसपा की लड़ाई है,
मगर मध्य प्रदेश में सात है, यानी ग्वालियर में सात और झांसी में हाथी की बात खासियत है, कहते हैं गजब तो खूबी है। फिक्सिंग ये होती है कि बिहार में सात है, यानी आरा में सात है, आपके बलिया झांसी तानाशाही नहीं, आरा चल जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ आप ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ झूठ और जुमले की राजनीति करना चाहती है, ये अपने काम गिनान नहीं पाए। आधे घंटे के प्रोग्राम में भैया इतने काम गिना पाए तो काम की बजाय काम तमाम किया, लेकिन काम के सामने जीरो है ये। अच्छा एक मिनट, नीचे से टोकाटाकी मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता। भारतीय जनता आप भी बैठ जाइए, काम नहीं गिना पाई। काम नहीं गिना पाई। एक सेकंड अखिलेश, एक सवाल मेरा अनुराग भदौरिया आपसे है। आपने तो भाई 2017 में सारे काम गिनाए थे, फिर भी जनता ने आपको पैकअप क्यों करा दिया? फिर काम करेंगे, फिर जनता ने क्यों पैकअप करा दिया आपको? जाति धर्म की बात की, जनता ने क्यों पैकअप करा दिया आपको? जाति धर्म के नाम पे राजनीति लड़ी ना, हमने नहीं लड़ी और ना लड़ेंगे। तो आपको लगता है काम नहीं करेंगे? आपको लगता है जनता बेवकूफ है? आपको लगता है जनता बेवकूफ है? जाति धर्म के नाम पे वोट डालती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विकास की बात करेंगे, फिर करेंगे विकास की बात, हमेशा करेंगे विकास को। मैं हम ब्रेक पर जाना, उसके पहले लास्ट कमेंट, देखिए मैं एक पंक्ति में कहूंगा, ठीक लास्ट कमेंट, मैं एक पंक्ति में कहूंगा, दुनिया सुनिए, एक काम की बात कर रहे हैं, राहुल बबुआ और बुआ जी तीनों का संकट एक है, जीत रहा है चौकीदार चूंकि नियत नेक है। आखिरी कमेंट, छोटा सा समय खत्म हो रहा है, आखिरी कमेंट। देखिए हम समाजवादी लोग गठबंधन हमेशा काम पे इलेक्शन लड़ता है, फिर काम पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये काम नहीं गिना पाए एक घंटे के प्रोग्राम में। इसके लिए इनको खुद आत्मग्लानी हो रही होगी कि हमारी सरकार कैसी है जिसके लिए हम मंच पे खड़े होके काम नहीं गिना पाए। हम दंगे की चोट पे काम गिना रहे हैं, इसलिए हम फिर काम पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो दंगा, आज ही मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से एक्सक्लूसिव बातचीत भी की है। आप कह रहे हैं विरोधियों की हवा निकल जाएगी, लेकिन जमीन पर आपकी भी हवा ऐसी कोई दिख तो रही नहीं है जैसी 2014 में थी, कि लहर चल रही है, हर कोई कह रहा था कि मोदी लहर है, मोदी लहर है, इस बार ऐसा क्यों नहीं है? फिर मुझे लगता है कि संभवतः इन चीजों को देखने की आवश्यकता है और उसको महसूस किए जाने की आवश्यकता है। 2014 से बेहतर लहर मोदी जी की इस बार भी है और मैं इस चीज को महसूस किया हूं पूरे देश के अंदर, उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, महिला हो, पुरुष हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, हर एक के मुंह पर एक ही आवाज़ है फिर एक बार मोदी सरकार। तो मोदी सरकार आने के लिए लोगों के मन में जो एक इस प्रकार का उत्साह है, आम जन जो ललायित है इन सब बातों को लेकर के, चुनाव जनता इस समय भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के लिए लड़ रही है। इसीलिए आपने जिनके टिकट काटने बनते थे उनमें से भी कईयों को छोड़ दिया कि वोट तो मोदी जी के नाम पर पड़ना है, कैंडिडेट कैसा भी हो। देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, बेहतर विकल्प होता है तो भारतीय जनता पार्टी या पार्टियां अपनी तय करती हैं। बेहतर विकल्प के अभाव में या बहुत बार ये होता है कि भाई ठीक है एक बार इसको और मौका दे दिया जाए। सामान्यतः हर व्यक्ति इस बात को मानता है कि हमें प्रधानमंत्री का चुनाव करना है, वोट मोदी जी के नाम पर है, तो स्वाभाविक रूप से मोदी जी के नाम पर वोट मिलना ये बड़ी बात है और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर मोदी जी के नाम और उनके काम के आधार पर विकास, सुशासन और राष्ट्रवाद के मुद्दे को लेकर के इस चुनाव मैदान में है। ये आतंकवाद को खत्म कौन कर सकता है? आज जितने भी नेताओं के चेहरे आपको दिखता है उसमें से आतंकवाद को खत्म करने की ताकत किसके पास है? आपको भरोसा है? ये चौकीदार पे भरोसा है? तो चौकीदार और मजबूत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? चौकीदार और ताकतवर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? चौकीदार ने उस चोर को 30,000 करोड़ रुपए राफेल घोटाले में दिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड सरकारी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट छीनकर अनिल अंबानी को दिया, 126 हवाई जहाज खरीदे जाने थे, प्रधानमंत्री हमारा प्रधानमंत्री फ्रांस गया और फ्रांस के राष्ट्रपति से उसने कहा कि 126 मत खरीदो, 36 हवाई जहाज खरीदो, 526 करोड़ रुपए का मत खरीदो, 1600 करोड़ रुपए का हवाई जहाज खरीदो और एचएल को परख परे करो, सरकारी कंपनी को परे करो, आदिवासियों को, गरीब लोगों को रोजगार देने वाली कंपनी को परे करो और इस चोर अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट दो।
सरकारें आपने भी पहले बहुत देखी है, केंद्र में भी और राज्य में भी, लेकिन ये वो सरकार है जिस पर 5 साल में भ्रष्टाचार का एक भी दाग नहीं लगा है। और जो झूठे आरोप लगाने की कोशिश भी कर रहे हैं, वे आज खुद कटघरे में खड़े हैं। मगर हिंदुस्तान का किसान अगर 20,000 रुपए का कर्जा वापस नहीं देता है तो उसे जेल में डाल देते हैं। क्या यह आपको सही लगता है कि हिंदुस्तान के अरबपति जितना भी कर्जा लेना चाहे ले ले बैंक से, वापस ना दें और वो जेल ना जाए, और हिंदुस्तान का किसान आदिवासी 20,000 रुपए ले कर्जा और कर्जा वापस ना दे, एकदम वो जेल जाए? क्या आपको ठीक लगता है, न्याय लगता है आपको क्या? अगर आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान के किसान जेल जाए, तो पहले आप उस चोर अनिल अंबानी, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या को उनको अंदर करिए, फिर हम हिंदुस्तान के किसानों की बात करेंगे। अगर आप उनको अंदर नहीं करोगे तो हिंदुस्तान का कोई भी किसान कर्जा ना लौटाने के लिए जेल में नहीं जाएगा। 2 चरण में देश के लोगों ने जिस तरह इन लोगों को सजा दी है, सबक सिखाया है, इसके बाद इन लोगों में ऐसी सदमे जैसी स्थिति है, ऐसे मुरझाए हैं, ऐसे मूर्छित है, अब बीच चुनाव में ऐसा क्या नया मुद्दा लाए जिस पर मोदी को घेर सके, जिसको आधार बनाकर मोदी को गाली दे सके। नरेंद्र मोदी जी ने आपसे कहा था कर्जा माफ करेंगे, उन्होंने आपसे कहा था सही दाम दिलवाएंगे, उन्होंने कहा था आपके खेत के पास फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री लगाएंगे। कर दिया काम, मिल गया आपको सही दाम, कर्जा माफ किसने किया आपका? कांग्रेस पार्टी ने कर्जा माफ किया। यहां पे राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में चुनाव हो रहा था, मैंने साफ बोला, देखिए कुछ भी हो जाए 10 दिन के अंदर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के किसानों का कर्जा माफ होगा। 10 दिन नहीं लगे, 2 दिन के अंदर तीनों सरकारों ने सारे के सारे किसानों का कर्जा माफ करके दिखा दिया। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।